तो दोस्तों ये है मेरे पास दो बॉक्स मोटोरोला के, और एक ये है मोटो स्टूडियो जो कि मैंने पहले से ही अनबॉक्स कर लिया है। ये दो हैं जो नए फ़ोन लॉन्च करे हैं मोटोरोला ने कल। एक है मोटो G6 Play और ये है G6 Plus। आज हम करने वाले हैं G6 Play की अनबॉक्सिंग इस समय। दोस्तों सील इसकी ब्रेक की है, एक ही सील है फ़ोन में। अब बॉक्स को किया ओपन और सबसे पहले हमें दिखा फ़ोन जिसमें बैक कवर ऑलरेडी चढ़ा रखा है कंपनी ने। इसे निकालते हैं सबसे पहले, ये निकल गया। पहले देखते हैं इसमें एसेसरीज क्या क्या निकली हैं। बॉक्स के अंदर देखा, एक है चार्जर, वही है जो सिंपल चार्जर होता है। एक यूएसबी केबल, माइक्रो यूएसबी केबल है, कोई फास्ट चार्जिंग इसमें नहीं दी है। ठीक है, हमारे ईयरफोन्स निकले हैं इसमें, इन ईयर हेडफोन्स फ्लैट केबल के साथ। बढ़िया आवाज़ देंगे क्योंकि इसमें फ्लैट केबल है। और एक हमें दिया है इन्होंने एक OTG केबल और एक सिम इजेक्शन टूल जो कि सिम ट्रे को निकालने में मदद देगा। ये सब हैं बॉक्स की एसेसरीज। और ये है फ़ोन, चलिए बहुत बढ़िया फ़ोन है। पीछे से इसमें ग्लास बॉडी दी है, फ्रंट और बैक दोनों ग्लास हैं, स्क्रैच रेजिस्टेंस है ये। ऊपर की तरफ आपको कैमरा मिल जाता है एक बड़े से स्फेयर में, दो कैमरा दिए हैं इसमें और फ्लैश, और यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट। इसे मैंने चलिए बूट कर लिया है। 8:9 एक्सेप्ट रेशियो में है ये, 5.7 इंच का है, गोरिल्ला ग्लास के साथ है ये फ़ोन। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा ये, ऐसा मोटोरोला ने कहा और ऐसा हम भी शायद एक्सेप्ट करते हैं इसे। स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर है। चलिए पहले से सेटिंग्स में सब इसमें कर देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह सब हो गई। अब चलते हैं इसमें, 89 mm थिक है ये फ़ोन, यानी सही सही है, ना पतला है ज़्यादा, मोटा भी नहीं है। 175 ग्राम का है ये टोटल। स्प्लैश रेसिस्टेंस इसमें का बैक दे रखा है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट्स आपके इसमें नहीं छपने के हैं, स्मेजेस नहीं आने के हैं। फ्रंट में चलते हैं तो 18:9 एक्सेप्ट रेशियो, बट पीछे की तरफ अच्छा दे रखा है ग्लास इन्होंने। साइड में आपके वॉल्यूम ब्रोकर्स रखे हैं और इधर की तरफ आपको पावर कीज़ दे रखी हैं, बस एक ही पावर की है। हाथ में बढ़िया सेट हो जाता है ये, 170 ग्राम का है ना ओवरऑल, तो अच्छा सेट हुआ हुआ है ये हाथ में, लाइट वेट है, गोरिल्ला ग्लास कोटिंग के साथ है ये। ऊपर की तरफ आपको एक कैमरा मिल जाता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, LED फ्लैश के साथ। पीछे की तरफ आपको 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिला है, एक इसमें भी LED फ्लैश है। फिंगरप्रिंट स्कैनर पे मोटो बना हुआ है यहाँ पे पीछे। इसमें आपको एड्रीनो का 505 मिल जाएगा, 2 GB RAM और 3 GB RAM वेरिएंट में ये मार्केट में लॉन्च हुआ हुआ है। ऊपर की तरफ देखते हैं, हमारा हेड इसका छोटा दिया है इन्होंने और नीचे चिन थोड़ी सी मोटी दी है क्योंकि इसमें एक होम बटन दे रखा है कंपनी ने। 2 GB के साथ आपको इसमें 16 GB मिल जाएगी और 32 GB मिल जाएगी 3 GB वेरिएंट के साथ। फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं, देखते हैं कितना क्विक है। सही है, फास्ट है फिंगरप्रिंट सेंसर इसका। अगर इसमें आपको गेस्ट हाउस में मिल जाता है डबल फिंगरप्रिंट करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा और आप बाकी सेट कर सकते हैं इसमें। स्क्रीन रेजोल्यूशन भी बड़ा है, Full HD डिस्प्ले है इसमें, बढ़िया है। 5.7 इंच का है ये, 18:9 एक्सेप्ट रेशियो के साथ, जो आपको वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगेगा और गेमिंग के साथ भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का 430 दे रखा है। कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो दोस्तों ये है ओवरऑल मोटो G6 Play।